क्या है नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़ा, सीबीआई ने सीबीआई की ही क्यों कराई जांच, जाने सब कुछ। मध्य प्रदेश में बवाल मचा हुआ है, नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़े ने सीबीआई और नेताओं से लेकर अधिकारियों की नींद उड़ा दी है। इस नर्सिंग फर्जीवाड़े की मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले से तुलना की जा रही है। चौंकाने वाली बात यह है कि इस घोटाले की जांच जिन सीबीआई अधिकारियों को दी गई थी वे ही रिश्वत लेकर कॉलेजों को क्लीन चिट देने लगे। उससे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल ने भी उन कॉलेजों को सुटेबल यानी बेहतर संस्थानों में शामिल कर दिया जिनके संचालक पहले से ही जांच एजेंसी की रिमांड पर हैं। इस पूरे मामले को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। बता दें नर्सिंग फर्जीवाड़े की शुरुआत करीब 4 साल पहले 2020 यानी कोरोना काल से हुई। 2019 तक प्रदेश में 450 नर्सिंग कॉलेज पंजीकृत थे। साल 2020 में कोरोना काल आ गया। इस काल में दुनिया जहां थी वहीं रुक गई, लेकिन इस रुकी हुई दुनिया के बीच मध्य प्रदेश में कमाल हो गया। साल 2020 से 2022 तक 200 नर्सिंग कॉलेज पंजीकृत हुए। यहीं से इन कॉलेजों को लेकर कुछ लोगों को संदेह होने लगा। इन लोगों ने सभी कॉलेजों की अपने स्तर पर जांच की। इस जांच के बाद उन्होंने साक्ष्य जुटाकर याचिकाएं दायर कर दी। सीबीआई ने 308 कॉलेजों की जांच की। जबलपुर में वकील विशाल बघेल और ग्वालियर में वकील दिलीप शर्मा ने कोर्ट में ये याचिकाएं लगाई। इन याचिकाओं को सुनने के बाद कोर्ट ने इस पूरे मामले की जांच सीबीआई को दे दी। सीबीआई ने पहले चरण में प्रदेश के 700 से ज्यादा नर्सिंग कॉलेजों में से करीब 308 कॉलेजों की जांच की। इसमें सीबीआई ने 169 नर्सिंग कॉलेजों को सुटेबल यानी पूर्ण, 66 कॉलेजों को अनसुटेबल यानी अपूर्ण कैटेगरी में रखा, जबकि 73 कॉलेजों को अनुपयुक्त बता दिया। इन सभी कॉलेजों में 1 लाख से ज्यादा छात्रों ने एडमिशन लिया था। वहीं कॉलेज ही नहीं, कहीं एक ही बिल्डिंग में चार चार कॉलेज, कहीं एक ही टीचर को 8-8 कॉलेजों ने फैकल्टी बताया है, कहीं एक ही शख्स कई कॉलेजों का प्रिंसिपल बनकर घूम रहा है। किसी भी कॉलेज के पास मेडिकल कॉलेज नहीं है, यानी छात्रों के प्रैक्टिकल के लिए कोई भी जगह नहीं है। सीबीआई ने जांच की सीबीआई अधिकारियों की। ये वीडियो फोटो देख सीबीआई के वरिष्ठ अधिकारियों के कान खड़े हो गए। उन्होंने इस मामले की जांच का संज्ञान लिया। अधिकारियों ने सीबीआई अधिकारियों की जांच के लिए सीबीआई की नई टीम गठित की। इस दौरान पता चला कि कॉलेजों की जांच कर रहे सीबीआई अधिकारियों ने उनके संचालकों से मोटी रिश्वत ली है। एक सीबीआई इंस्पेक्टर को 10 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया। सूत्र यहां तक बताते हैं कि इसमें डीएसपी स्तर के अधिकारी भी शामिल हैं। अगली सुनवाई में उठाएंगे भ्रष्ट अधिकारियों का मुद्दा विशाल बघेल। इस मामले के विसल ब्लोअर एडवोकेट विशाल बघेल का कहना है कि सीबीआई के भ्रष्ट अफसरों ने कॉलेजों को क्लीन चिट दी, इसकी नए सिरे से जांच होनी चाहिए। हाल ही में मेडिकल यूनिवर्सिटी ने सभी नर्सिंग कॉलेजों की परीक्षाएं आयोजित की हैं। वर्तमान में परीक्षाएं करवाई जा रही हैं, लेकिन इन परीक्षाओं के बीच में ही फर्जीवाड़े की जांच कर रही सीबीआई के 2 अफसरों की रिश्वत लेने का मामला सामने आया है। ऐसे में ये पूरी जांच प्रक्रिया ही दूषित नजर आ रही है। विशाल बघेल का कहना है कि अगली सुनवाई में ये मुद्दा भी उठाया जाएगा और मांग की जाएगी कि दोनों भ्रष्टाचार अफसरों के साथ अन्य अफसरों की जांच रिपोर्ट की भी नए सिरे से जांच की जाए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं, एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सुहागी बाईपास।